स्वागत है जी तुहाडा अज दी इस वीडियो दे विच। हाँ जी, किवें तुसी सारे? मैं उम्मीद करदे तुसी सारे ठीक होवोंगे। आपां हाजर हाँ जी ETT 65 संबंधी बहुत ही इंपोर्टेंट वीडियो लैके। जिवें कि तुहानू पता है कि जिहड़े सिलेक्टेड कैंडीडेट्स ने 65 दी, उहनां दे डिपार्टमेंट वल्लों लॉगिन ID ते अपडेट जिहड़ा कर दित्ता गया है, लिंक एक्टिव जिहड़ा हो चुक्या है। लेकिन कई स्टूडेंट्स नूं काफ़ी तरह की दिक्कतां आ रही हैं, जिस तरह के कईयां दी ID उपर लिंक ही एक्टिव नहीं होया, तो कई का विद हैल्ड लिखा होया आ रहा है, तो कई का आ रहा है जी फॉर्म क्लोज्ड लिखा होया। तो काफ़ी तरह के डाउट्स जिहड़े ने स्टूडेंट्स दे बने हुए हैं, तो इन्हों सारे डाउट्स में लैके आप अज्ज दी इस वीडियो में हाजर हाँ। इस करके बिल्कुल मेक श्योर ध्यान नाल वीडियो देखियो, ताकि फिर तुहाडा किसी तरह का भी कोई डाउट जिहड़ा वो ना बचे। तो स्टार्ट करते हैं जी अज्ज दी वीडियो। तो देखो, सब तो पहले मैं तुहानू दस दवां कि 3 तरह के जिहड़े स्टेटस ने वो शो हो रहे हैं, ठीक है। सब तो पहला गल कर लिए सिलेक्टेड की। देखो, जिहड़े कैंडीडेट्स के डॉक्यूमेंट्स बिल्कुल कंप्लीट ने, डिपार्टमेंट वालों जिन्हां दीआं फाइल्स चंगी तरह चैक कर दी गई ने, तो उन्होंने स्टेटस के लिखा आ रहा है जी सिलेक्टेड, ठीक है। जिन्हों का बिल्कुल श्योर है कि उन्हों का नाम जो फस्ट लिस्ट के अकॉर्डिंग कन्फर्म है। सैकेंड गल कर लिए विद हैल्ड कौन ने। देखो, कई मैं एक दो स्टूडेंट्स ने मैंने दसा कि जिन्हें 72 मार्क्स ने, ठीक है, BC कैटेगरी के, लेकिन फिर भी उन्हों का जो नाम नहीं आया है विद हैल्ड के ने। तो देखो, विद हैल्ड का की मतलब होंगे? विद हैल्ड का मतलब यह है कि उन्होंने डॉक्यूमेंट के किसी तरह की कोई कमी है, ठीक है, जिस तरह के स्पैलिंग मिसटेक हो सकती है, जो कोई डॉक्यूमेंट अटैच ना किया हो, मतलब डिपार्टमेंट वालों उन्हों का एक तरह का रिजल्ट जो रोक दिया गया है। जिन्हों का विद हैल्ड लिखा आ रहा है, ठीक है, उन्होंने स्टूडेंट्स को बिल्कुल भी टेंशन लैन की लड़ नहीं हैगी। डिपार्टमेंट वालों सिर्फ थोड़ा एक तरह का, जिम्मे मैं दसा सी ना पिछली वीडियो के कि ऑब्जेक्शन लगनगियाँ, ऑब्जेक्शन होंगे जो तुहाडे डॉक्यूमेंट्स के किसी तरह की कोई कमी हो, कोई एरर देखने मिले, तो उसू आप एक तरह के विद हैल्ड के कह सकते हैं कि उन्होंने रखा गया है, ठीक है। तो तुहानू एक मौका दिता जाएगा, एक हफ्ते का लगभग टाइम दिता जाएगा। तो सवाल यह बनता है कि किस तरह पता लगेगा कि कमी है डॉक्यूमेंट्स के। देखो, यी विद हैल्ड वाली क्वेरी है ना, डिपार्टमेंट थोड़ा एक या दो दिन तक अपडेट थानू दे देगा। एक लिस्ट आएगी जिस विद हैल्ड स्टूडेंट्स की लिस्ट के उन्होंने कॉलम के सामने लिखा होगा कि तुहाडे फॉर्म के मिसटेक है, जो भी जिस जिहड़ा भी रीज़न होएगा विद हैल्ड का, वो तुहानू जिहड़ा शो किया जाएगा। तो तुहानू एक जिहड़ा नियमित समा दिता जाएगा जिस अपनी जिहड़ी क्वेरीज़ ने या ऑब्जेक्शनस ने वो क्लीयर कर पाओगे। तो जिहड़े स्टूडेंट्स क्लीयर कर देंगे उस समय के, फिर उन्होंने जिहड़ा स्टेटस है अपडेट कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इस करके थर्ड प्रकार का जिहड़ा स्टेटस शो हो रहा है, वो हो रहा है जी फॉर्म क्लोज्ड, ठीक है। जिन्हों का ना सिलेक्टेड आ रहा है, ना विद हैल्ड आ रहा है, ना कुछ भी नहीं आ रहा, सिर्फ फॉर्म क्लोज्ड लिखा आ रहा है, ठीक है। तो जिहड़े कैंडीडेट्स का नाम नहीं आया है, तो वो वेट करो, सैकेंड लिस्ट आनगियां जो ये फस्ट सिलेक्टेड कैंडीडेट्स ने ज्वाइन कर जाएंगे। देखो, जो ही कैंडीडेट्स विद हैल्ड वाले अपने ऑब्जेक्शन क्लीयर करते हैं, तो उस तो बाद ही जिहड़े सैकेंड लिस्ट की आने की संभावना जी बन जाती है। हुण सैकेंड क्वेश्चन आता है कि BEd इनकलूड है ज नहीं। तो देखो, BEd जी बिल्कुल बाहर है, क्योंकि देखो ये आप क्यों कह रहे हैं, जिहड़े BEd वाले कैंडीडेट्स ने उन्होंने जी लॉगिन ID ते जिहड़ा लिंक एक्टिव नहीं होया हैगा, दैट मीनस कि उन्होंने जिहड़ा बाहर कर दिया गया, ठीक है। तो BEd तो देखो 100% श्योर है कि उन्होंने बाहर कर दिया गया है, ठीक है। गल कर ली अगे 18B वाले कैंडीडेट्स की, तो तुम दस दिए कि 18B वाले जिहड़े बैच के स्टूडेंट्स ने वह सिलेक्टेड ने, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिन्हों का नाम आया है, सिलेक्टेड स्टेटस जिहड़ा उन्होंने शो हो रहा है, ठीक है। तो 18B बैच भी जिहड़ा सिलेक्टेड है। उस तो बाद गल कर लिए, देखो अदर स्टेट कैंडीडेट्स सिलेक्टेड हैगे ने जां नहीं, तो ये रिगार्डिंग देखो कोई भी क्लैरिफिकेशन हजे नहीं हैगी। पहला तो एक गल समझण वाली है कि जेकर डिपार्टमेंट प्रोपर लिस्ट जारी करता कि ए कैटेगरी के इन्ने कैंडीडेट्स सिलेक्ट होए ने, तो अकॉर्डिंग आप बिल्कुल कट ऑफ देख सकते कि इन्ने कैटेगरी की ए कट ऑफ गई है, ए वाली कैटेगरी की इन्नी कट ऑफ गई है ना प्रोपर। लेकिन हुण देखो उही है कि हुण डिपार्टमेंट वालों सिर्फ उन्होंने परसनल ID ते ही स्टेटस जिहड़ा ओपन किया गया है, ठीक है। तो यह एक अलग डिपार्टमेंट का अपना कोई प्रोसैस है, उस रिगार्डिंग आप जो कुछ भी नहीं कर सकते हैं। फिलहाल जिहड़े अदर स्टेट कैंडीडेट्स ने उन्होंने क्लैरिफिकेशन नहीं हैगी कुछ में। गल कर ली BA मार्क्स की, तो देखो ये जिहड़ी लिस्टां आउट की गई ने एक तरह के जो भी स्टेटस शो किया जा रहा है, ये विद BA मार्क्स है, जिन्हों के दो या पांच नंबर जिन्हें भी ऐड होने से वो ऐड होकर ही जिहड़ा स्टेटस है वो शो किया गया है, ठीक है। हुण सवाल है कि सैकेंड लिस्ट आएगी या नहीं, तो बिल्कुल आएगी, ठीक है। जो ये विद हैल्ड वाले स्टूडेंट्स ने इन क्वेरीज क्लीयर होनगियाँ, ठीक है। तो सैकेंड लिस्ट आने जोड़ा थोड़ा जहा टाइम लग सकता है, क्योंकि देखो जो तक विद हैल्ड वाले स्टूडेंट्स जोड़े विद हैल्ड वाले ने उन्होंने ऑब्जेक्शन क्लीयर होनगियाँ, उन्होंने भी टाइम दिता जाएगा। जिमें जिमें उन्होंने जो भी ऑब्जेक्शन क्लीयर होंदिया जाएगियाँ, जो जिन्हों तो ऑब्जेक्शन क्लीयर नहीं होनिया, जिम्मे कई जाली सर्टिफिकेट हो सकते हैं, तो उमें उमें मैरिट जी डाउन होंगी आएगी, ठीक है। तो सैकेंड लिस्ट जरूर आएगी, लेकिन थोड़ा जहा टाइम जरा लग सकता है। गल कर ली नैक्सट प्रोसैस की, तो रिगार्डिंग देखो आप अजे वैसे तो क्लैरिफिकेशन नहीं कर सकते, लेकिन
हाँ जरूर डिपार्टमेंट अगर कंटिन्यू रखेगा, क्योंकि एक हिसाब के नाल देखा जाए तो हो सकता है कि डिपार्टमेंट पहला विद हेल्ड वालू जोड़ा क्लीयर करे, ठीक है, उन्होंने ऑब्जेक्शन क्लीयर करे, या फिर हो सकता है कि जोड़े सिलेक्टेड कैंडीडेट्स ने उन्होंने जो स्टेशन वगैरह अलॉट किए जा, तो यह जो डिपार्टमेंट का अपना वर्क रहेगा। ए रिगार्डिंग देखो ऑफिशियल वैबसाइट पर अपन जी है अपडेट जी देखने मिल जाएगी। ठीक है, आप गल करते देखो कि ऑफर लैटर कदों तक जारी होंगे, तो देखो सिंपल जी गल है, सारों सरकार की कंडीशन की चल रही है आप सारों पता है, डिपार्टमेंट किस दे अकॉर्डिंग वर्क किमें कर रहा है, तो बहुत ज़्यादा जरूरी है कि जोड़ा आने वाला 16 जून में प्रोटेस्ट है उस दे विच चाहे सिलेक्टेड कैंडीडेट्स ने चाहे वह 99 वाले ने जिन्होंने ऑनलाइन पोर्टल की जी अपनी मंग रखनी है, ठीक है, तो सारे जरूर पहुँचो 16 जून में, क्योंकि 16 जून का जरा प्रोटेस्ट है वैरी वैरी इंपोर्टेंट है। जेकर 16 जून में प्रोटेस्ट एक वधिया तरीके नाल कीता जांदा है तो डिपार्टमेंट एक तरह के नाल प्रेशर बनाया जा सकता ऑफर लैटर जारी करने के लिए, तो इस करके सारे कैंडीडेट्स जिहड़े ने 16 जून के प्रोटेस्ट जरूर पहुँचो, ओके, तो ही ऑफर लैटर जिहड़े ने जारी किए जाएंगे, क्योंकि देखो इस तरह बिना प्रोटेस्ट तो ऑफर लैटर जारी होना थोड़ा जिहा मुश्किल है, क्योंकि तुहानू पता है कि लंबे समय तो जिहड़ी सरकार है कोई वर्क नहीं दिखा रही, कोई अपना इंटरस्ट नहीं दिखा रही इन्हां भर्तियां नूं कंप्लीट करन दे लई। आई होप तुहाडा जिहड़ा है एट सारे डाउट मोस्टली क्लीयर हो गए होने। लास्ट पॉइंट जिहड़े कैंडीडेट्स पूछ रहे सन कि ETT 99 का ऑनलाइन पोर्टल कदों खुलेगा, तो देखो ये रिगार्डिंग अजे कोई क्लैरिफिकेशन नहीं हैगी, ठीक है, हो सकता है कि 65 नूं ज्वाइन कराने तो बाद ही ओपन खुल होवे जिहड़ा ऑनलाइन पोर्टल है, या फिर इस तो पहला भी हो सकता है। जिहड़े भी कैंडीडेट्स ने देखो मेरी इक्को सलाह है कि तुसीं अपनी तैयारी ते जोर रखो, पोर्टल अज नहीं तो कल ओपन हो ही जाएगा, लेकिन जेकर तुहाडी तैयारी ना हुई तो फिर उहदा भी कोई फायदा नहीं हैगा, ठीक है, तो ETT 99 की तैयारी नाल करते रहो। आपां भी चैनल ते जिहड़ी तैयारी करवा रहे हैं बिल्कुल पंजाबी दा सिलेबस ऑलमोस्ट कवर हो चुका है, सारिया वीडियो सारिया क्लासेस तुहानूं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाएंगे। बाकी जेकर तुहाडा कोई भी डाउट क्वेश्चन होवे तुसीं मैनूं कमेंट सैक्शन दे विच पुछ सकदे हो, ठीक है। बाकी ज़्यादा जानकारी दे लई टैलीग्राम ग्रुप नाल जरूर जुड़ो, लिंक तुहानूं डिस्क्रिप्शन बॉक्स दे विच मिल जाएगा, उत्थे आपां टाइम टू टाइम जिहड़ी अपडेट है तुहानूं भर्ती दे रहे दिंदे रहिंदे हां, ठीक है, तो इनफॉर्मेशन वधिया लग्गिया वीडियो नूं लाइक करके चैनल नूं सबसक्राइब कर लो, नाल दी नाल बैल आइकन जरूर प्रेस कर लिया करो ताकि आने वाली वीडियोज़ दे जिहड़े नोटिफिकेशन है वो तुहानूं जरूर टाइम से जिहड़े ने वह मिल सकन, ओके। तो इस करके देखो ETT यूनियन वालों भी पूरी अपील है कि 16 जून में जेकर तुम चाहते हो कि जो सिलेक्टेड ने जिन्हों का नाम आया हुआ है उन्होंने भी ऑफर लैटर मिलन तो मैरिट डाउन जाए तो 99 भी आए तो देखो जो प्रोटेस्ट है वो करना होगा, ठीक है, तो इस करके 16 जून में जरूर प्रोटेस्ट से पहुँचो, तो लिंक तुम टैलीग्राम ग्रुप का जो डिस्क्रिप्शन के मिल जाएगा, ठीक है। वीडियो देखने लिए धन्यवाद, थैंक यू।